नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। ज्योतिष शास्त्र में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और अश्विन अमावस्या के दिन इसका समापन होता है। बता दें कि 29 सितंबर से श्राद्ध क्रम की शुरुआत हो जाती है और ये 16 दिनों तक पितरों को याद उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध क्रम और पिंडदान आदि किया जाता है। इससे पूर्व तृप्त होकर वंशजों पर कृपा बरसाते हैं और घर में सुख समृद्धि और धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। आज कर्म के दौरान पूजा पाठ के साथ साथ नियमित रूप से दीपक जलाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी जगहों का जिक्र किया गया है जहां पर पितरों का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार माँ लक्ष्मी के लिए घी का दीपक, हनुमान जी के लिए चमेली के तेल का दीपक और शनि महाराज के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, उसी तरह पितृपक्ष में भी अलग अलग दिए जलाए जाते हैं। आइए जानते हैं ये 16 दिन किस दिशा और किन जगहों पर दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के 16 दिन पितरों का स्मरण किया जाता है। इन दिनों में घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाना बेहद शुभ माना गया है। बता दें कि वास्तु में दक्षिण दिशा में पितरों का वास बताया गया है। ऐसे में सुबह शाम घर में दीपक जरूर जलाएं। ऐसी मान्यता है कि घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं, साथ साथ कृपा भी प्रदान करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, साथ ही वंशजों को सभी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दिन पितरों की कृपा पाने के लिए उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही कृपा बरसाते हैं। कहा गया है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं के अलावा पितरों का वास होता है, इसीलिए ये 16 दिन पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। वास्तु के जानकारों का कहना है कि पितृपक्ष में नियमित रूप से शाम के समय किचन में पानी की जगह पर दीपक जलाना शुभ माना गया है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इससे पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।